कहा जाता है कि अनार हम बचपन से घर वाले बोलते हैं कि इसको खाइए क्योंकि इससे खून बढ़ता है। क्या अनार सिर्फ हमारे शरीर में खून बढ़ाने का ही काम करता है या इसके कुछ और भी औषधि पूर्वक उपाय हैं या किसी और रूप में यूज होता है? तुमने मेरा बचपन याद दिला दिया कि जब इन चीज़ों की मैं स्टडी किया करता था, इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं अपने गुरुओं से किया करता था और वो मुझे समझाया करते थे, लेकिन पूरा समझ तो नहीं आता था पर रख लेता था। तो जैसे जैसे ये विद्या और बढ़ती गई तो मेरे को भी उनकी बातें पूरी समझ आने लगी। जैसे तुमने अभी अनार की बात करी है, तो अनार को हम मंगल और शुक्र के साथ जोड़ते हैं। अब मंगल है वो खून है, तो खून में अगर रेड सेल्स ज़्यादा होंगे तो वो नेचुरली बात है हमारा शरीर अच्छा परफॉर्म करता है। और शुक्र हमारे शरीर का जोश, आर्मी के अंदर बनने वाला वीर्य, औरत के अंदर बनने वाला कैल्शियम, तो इसको शुक्र बोलते हैं। तो ये सच बात है बेटा कि अनार के ये जो गुण हैं ये हमारे खून के दोनों पार्ट, रेड सेल्स और वाइट सेल्स, इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसीलिए ज़्यादातर जो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार होते हैं, उन लोगों को अनार खाना चाहिए। ये तो पहली बात जी। नंबर दो, जितने भी ओवर एज में या बड़ी एज में जाकर के शादी करते हैं जोड़े, लड़का और लड़की, क्योंकि आजकल एक आम सा चलन हो गया कि 30 साल की उम्र से पहले तो शादी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना करियर बनाने के चक्कर में। इन लोगों को हर रोज भले ही थोड़ा सा अनार के जूस जरूर लेना चाहिए या एक अनार जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर खून को बढ़ाना, रेड सेल्स और वाइट सेल्स को मैनेज करना और शरीर के अंदर जोश बना के रखना, क्योंकि शादी जब भी होती बेटा उसके बाद कुछ साल जो है मियां बीवी का संबंध बहुत अच्छा बना रहना चाहिए और एक दूसरे की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनार का प्रयोग अति उत्तम है, चाहे किसी भी तरह के ग्रह का इंसान हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताता जी, बिल्कुल। उम्र के साथ में एक थकावट आने लगती है, आदमी लो होने लगता है, बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी नींद आती है, बहुत जल्दी बातों को कतराता है, उसमें हिम्मत नहीं होती हर चीज को सहन करने की। ये वाली कमी भी अगर दूर करनी है तो मंगल और शुक्र को ही बलवान करना है। बिल्कुल, तो मंगल और शुक्र को बलवान करना यानी कि अनार खाने से ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो ये कुल मिला के मंगल और शुक्र का संयुक्त उपाय है जो लगभग जिसको भी जरूरत है, मैंने जरूरतें बता दी कौन कौन से समय पर पड़ती है, तो उस समय में इसका प्रयोग जरूर करें।